नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। एक और खबर आते हुए दिख रही है इस स्टॉक के लिए, क्या है न्यूज इसके बारे में समझेंगे। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक आज फिर से आपको लोअर सर्किट की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अभी तो आई थिंक लोअर सर्किट पे ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की बात करें तो 154.35 के लेवल्स पे स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका लोअर सर्किट है। एंड ये सर्किट बीच बीच में खुल भी रहा है आज के सेशन में, यानी कि अगर कोई निकलना चाहता है तो उसे मौका दे रहा है ये स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको न्यूज बताता हूं, न्यूज क्या है। एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी खबर सुन के आप बेचने जा रहे हो तो आपका डिसीजन गलत है, और कोई भी खबर सुनकर आप खरीदने जा रहे हो तो भी डेफिनेटली गलत है, क्योंकि इस समय इनके लिए डेली बेस पे कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है और स्टॉक्स ही अपने हिसाब से नेगेटिवली ट्रेड करते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। जब तक इनमें बाउंस बैक या फिर आप कोई भी बड़ी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं वो तब तक नहीं आएगी जब तक ये हिंडनबर्ग का मामला पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इसके अभी सुनवाई होगी, तो वहां पे भी देखते हैं क्या फैसले आते हैं। तो अभी इनमें कोई भी ट्रेड करना गलत होगा। आपके पास है पोजीशन वैसे ही छोड़ दो, आपके पास नहीं है पोजीशन अवॉइड करो, ये बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आते हैं खबर पे। तो दोस्तों खबर कुछ इस प्रकार है कि अदानी पावर ओरिएंट सीमेंट के बीच में एक नॉन बाइंडिंग करार हुआ था जो कि रद्द कर दिया गया, यानी कि एक प्लांट लगा रहे थे जहां पे सीमेंट का प्रोडक्शन होता, बट इन्होंने डेट पे उसके लिए कहीं ना कहीं बिड नहीं लगाई, अमाउंटिंग नहीं करी, तो वो इनका जो करार था वो भी रद्द हो गया है। कंटिन्यू इनके लिए कुछ ना कुछ बैकफुट पे ही खबरें आ रही हैं। अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर लो, अदानी पावर की बात कर लो, अदानी टोटल गैस की बात कर लो, तो जो भी इनके बड़ी डील हो रही थी जहां जहां वो सारी कैंसिल हो गई हैं। जो ऑर्डर्स मिलने थे ने वो वापस चले गए हैं, तो कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा है अदानी ग्रुप के लिए। कल भी मैंने आप सभी के साथ 5 ऐसे यूटर्न बताए थे, एक आपका FPO, एक आपका बॉन्ड हो गया, आपका अदानी पावर और डीबी पावर को एक्विजिशन कर रहा था वो रद्द हो गया, आज अदानी पावर का ये ओरिएंट सीमेंट के साथ जो नॉन बाइंडिंग करार था वो भी रद्द हो गया है, ये खबर एक और फ्रेश आती हुई दिख रही है। एक और चीज जो मैं देख पा रहा हूं आज के सेशन में वो ये कि वॉल्यूम्स की कोई कमी नहीं है। लोअर सर्किट पे अराउंड 2 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए हैं सर्किट पे होने के बावजूद, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक चीज बताना चाहूंगा अदानी पावर के बारे में, 2-3 दिन पहले इसमें एक बड़े सौदे हुए थे लगभग 23 करोड़ रुपए के, आज के सेशन में फिर से बड़े सौदे हुए हैं 2 और लोअर सर्किट पे खड़ा है, दैट मींस शायद वो बिकवाली आ गई है। क्या क्या हुआ है वो मैं बताता हूं। लगभग 21.14 करोड़ रुपीस का एक सौदा हुआ है जो कि 13,60,000 शेयर्स का है। प्राइस की बात करें 155.4 रुपीस के लेवल्स पे है, लोअर सर्किट पे खड़ा है, उसके भी नीचे है, दैट मींस कुछ ना कुछ इसमें नेगेटिव ही है। एक सौदा 13.6 करोड़ रुपीस का हुआ है जो कि 8,78,000 शेयर्स का है, और इसका भी प्राइस जो है 154.8 रुपीस का है। ये 2 सौदे आज के सेशन में होते हुए दिखे हैं, जिसके चलते आपको 2 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। इंटरेस्टिंग चीज आपको जो देखने को मिल रही है वो ये कि पिछले कुछ 3-4 दिनों से कंटिन्यू जो वॉल्यूम्स हैं वो लगभग एवरेज वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। कल भी लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे जिसमें से 30% डिलीवरी हुई, 5 दिन का एवरेज 1.71 करोड़ शेयर्स का है, और आज भी 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, तो वॉल्यूम्स दबा के आ रहे हैं। अब ये बायर्स हैं ये सेलर हैं ये आपको मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज जो आपको मुझे पता है वो ये कि रिटेल कैटेगरी पे सबसे ज्यादा शेयर है। ये मैं कैसे कह सकता हूं इसका अंदाजा मुझे यहां से लगा है, जब मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करा आप सभी के साथ कि आपके पास कौन से अदानी स्टॉक ने सबसे ज्यादा नुकसान दिया है, तो वहां मेरे पास टोटल 10,000 वोट्स हैं, जिसमें से 51% अदानी पावर को गए हैं, बाकी सबके पास बटे हुए हैं। तो दैट मींस 10,000 में से 5100 लोगों को तो अदानी पावर ही तो लॉस दे रहा है। कल एक और मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं कम्युनिटी में शेयर करा था क्या शेयर मार्केट का टाइम बढ़ना चाहिए, तो 57% लोग कह रहे हैं जी हाँ, 9:15 से 5 बजे तक का होना चाहिए, लेबर मजदूरी करवाने वाले हो भाई, अब ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर को और ज्यादा लॉस देने लगेगा। जो रिटेल कैटेगरी अभी 3:30 बजे तक लॉस करती है ना, वो फिर 5 बजे तक करेगी, और प्लस
कुछ भी नहीं होने का, इससे कोई फायदा नहीं होने का, स्ट्रेस लेवल और हाई होगा। बहुत सारे लोगों को दिन में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, इनफैक्ट फिर वो मतलब संभाल नहीं पाते खुद को, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखेगा। मैं मेरे को नहीं लगता ये ठीक है, बट ठीक है। एंड 33% लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्टली जो है वही रहना चाहिए, तो ठीक है, मेरा भी वोट इसी भी 33% में है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अदानी पावर की बात करें, अभी तो कुछ पॉजिटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है मुझे, एंड जब कुछ होगा तब डेफिनेटली शेयर करूंगा। 155 पे आ चुका है। एक ही चीज है बस जो मुझे आपसे शेयर करनी है, मैं इसके एक क्वार्टर के रिजल्ट्स और देखना चाहता हूं। अगर मुझे अगले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे दिखे तो फिर एवरेजिंग की राइट डेफिनेटली आएगी, लेकिन अगर खराब नंबर आए तो ये स्टॉक 2 डिजिट में भी जाएगा। तो ये मेरी वीडियो अदानी पावर के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।